सबसे पहले मिली हूँ, अभी अंदर जाके देखूंगी कैसा शो है। ब्रीफ दिया गया होगा आपको, क्या बोलूँ, बी सेक्सी। मेरा ब्रीफ था बी सेक्सी, तो आज पूरी कोशिश करूँगी कि एक्टिंग थोड़ी साइड में रख के। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फाइनली जो अब हम फिल्म के प्रमोशंस के साथ जुड़ गए हैं, मतलब जहाँ कहीं शायद कुछ कमी लग रही थी, अब वो कमी नहीं रही। अच्छा लगा ये सुन के, सॉरी हाँ ये सुन के अच्छा लगा। क्या होने वाला है, कुछ हमें बताएंगे आज यहाँ पे, लाइक व्हाट? आज हम एक प्रमोशनल टाइप का सॉन्ग शूट कर रहे हैं, और राहुल हैं और मैं हूँ, और जो सिंगर हैं आर्को वो भी हैं सॉन्ग में, और फिरोज़ इज़ कोरियोग्राफिंग इट। एंड अब प्रमोशन शुरू होगा, बिकॉज हर फिल्म का आई थिंक एक टाइम पीरियड होना चाहिए। आपको याद हो तो फुकरे भी हमने सिर्फ प्रॉपरली 21 डेज प्रमोट की थी, 20 मतलब महीने से कम प्रमोट की थी, 21 to 23 डेज प्रमोट की थी। तो आजकल इन द डिजिटल मीडियम चीज़ें इतनी जल्दी बदलती हैं कि उसके हिसाब से कितनी पब्लिसिटी करनी चाहिए उसकी साइकिल डिपेंड करती है। ये सॉन्ग फिल्म का पार्ट होगा? ये सॉन्ग प्रमोशनल सॉन्ग है, ये फिल्म में है गाना, पर इसके लिए हम कुछ फ्रेश विजुअल्स शूट कर रहे हैं। अबाउट योर स्टाइलिंग फॉर दिस सॉन्ग? यस, हाँ वहाँ ये लड़की रेड थोड़ी में वो स्टाइलिस्ट है। पर कैन यू टेल अस अबाउट योर ड्रेस, कि लाइक ये किस तरह से, किस सोच के साथ बनाया? आज मैंने ही बनाया, ये मैंने बनाई है, सच में ये मैंने बनाई है। तो मैं लूंगी और साड़ी का मिक्स करना चाहती थी, और ऊपर झालर, मेरे पास एक बहुत सुंदर टेबल क्लॉथ था, उसको मैंने बीच से कट करके गोटा ऐड करके ये बनाया। बट यू हैव एन इंक्लिनेशन फॉर डिज़ाइंस आल्सो? ऑफ कोर्स एक्टर को सब कुछ आना चाहिए, डिजाइनिंग और अप्रैल फूल। अरे बिल्डअप हुआ इतना अच्छा, और बोल रहे हो अच्छा, थैंक यू फॉर द अप्रैल, थैंक यू, बहुत अच्छा, लाइक दिस इज कॉल्ड ब्रिलियंस एंड जीनियस रियली। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा ही उल्लू बनाया है। देखो हम कलर कोऑर्डिनेट करके आए हैं यार, मैं इफ यू बी माय बॉडीगार्ड आई कैन बी द ब्यूटी एंड द बीस्ट हो जाएगा। नहीं सर, आप भी इस गाने के बारे में कुछ बता दीजिए। कौन से? आपको नहीं पता, इन्होंने कल एक गाना गाया। नहीं नहीं मैंने नहीं गाया, वो रैप ऐसी हो, रैप फिल्म में नहीं है, तो ऐसी कुछ रैप करके दिखाना चाहेंगे? नहीं वो दिखा दूंगा जो शूट किया है, वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। हाँ आए फाइनली मीट है ना। हाँ हाँ, दिस इज द रिवर्स ऑफ देवदास द फिल्म। आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ रीइमेजिनेशन, इट्स the characters are originally from Sarad Babu, then you know Shakespeare comes in and Hamlet comes in, then the Indian political set, then you know the women sort of start behaving differently because now, and so Paro starts escaping from the demure coy girl that she is in the original. She stands against, she has a point of view, she dumps him again and again, and then finally wants to take revenge. Their fight becomes political, she takes a stand against him, she has a right to, I mean she says to him that I've learned all this crap manipulation from you, so I'll give you back in your own coin. So she becomes something, and then she also gets addicted to power, and then how both of them escape. So it's not, and so Chandramukhi is like a political manipulator, fixer, but with the same power broker with the same fatal flaw of Chandramukhi, which was to be in love with Dev. So she's the kind of person every politician knows but pretends they don't, you know, this you see them in the corridors of power, these seductresses who manipulate money and power, business deals, like she said, power broker. So that's what she is, but she'll get away with something of her own in that song at the end, which will be maybe Paro and Dev's, and whatever that song at the end will be, which is the end of the film, part of the song will also be hers, which she'll take away and not just be sad because, oh hell, Dev didn't love her. I mean, that's all the girls kind of escape, they become
something else, you know. So it's as much about the women as the men, or as they, you know. आप convinced हैं इस नई पारो के character से? क्यों नहीं? आप चाहते हैं मैं भी दिया जला के बंद होते गेट के पीछे भागूं? वो तो आपने चार पांच बार देख लिया ना. तो इसलिए इसमें कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है. इस फिल्म को, इस पूरी स्क्रिप्ट को, इस कहानी को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कलर दिया है सर ने, जो एक एक्टर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. रिलीज डेट आ रही है अप्रैल की, तो पहले तो रेट से आपकी क्लैश होती थी, और अब राजकुमार की पिक्चर से उमरता से क्लैश हो रही है, जो पहले ही बहुत क्लैश नहीं हो रही है. राज की फिल्म अच्छी है, होगी बहुत. हंसल अच्छा डायरेक्टर है, और दो फिल्में इतनी तो हम लोग थिएटर्स 4000 तो कोई ना वो ले रहे ना हम ले रहे, तो दोनों फिल्में साथ में रिलीज होगी ना, क्लैश क्यों होगा? दोनों फिल्में देखिए, 3 बजे का शो उसका देखिए, 6 मेरा देखिए, उल्टा वो 6 मेरा देखिए, 9 उसका देखिए, बिल्कुल देखिए. क्योंकि हंसल और राज दोनों जो जब आते हैं तो वो भी अच्छी फिल्में तो बनाते ही हैं ना. तो मैं अब अगर किसी वजह से ना उसने चाहा ना हमने चाहा कि वो दोनों 20 को आए, हो गया तो दोनों फिल्में देखिए प्लीज यार. जैसे घायल और दिल देखी थी एक जमाने में, लगान और गदर देखी. For more updates, subscribe to our YouTube channel and download our Android app. Movie 9 PM.